हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम के टाइम, और यहाँ पे मैंने कुछ कपड़े धो के रखे थे, वही मैं निकाल दी हूँ। और यहाँ पे भी अभी जस्ट ये जो कंबल है ना, इसको अभी जस्ट मैं धो के सुखाई थी, उसमें से पानी भी निकल रहा था। और ये थोड़ा बहुत गैस पोंछने वाला कपड़ा था, वही मैं लेके आ गई हूँ। और अब मैं यहाँ पे ये मसूर का जो दाल है ना, छिलके वाला जो ब्लैक होता है, वही वाला लेके आई हूँ। और थोड़ा बहुत इसको साफ़ करूँगी, जो छोटा छोटा मिट्टी वगैरह होता है ना, वही मैं इसमें से अलग करूँगी और अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये अभी शाम हो रहा है ना, तो अभी डिनर के लिए ये मुझे बनाना है दाल, मैं इसी को बनाऊँगी। तो इसको मैं सही से छांट लूँगी। और मेरे घर में ये जो दाल है ना, मसूर की दाल, तो ये मेरे घर में मेरे यहाँ साइड कोई उतना नहीं करता है, खेती नहीं करते इसकी उतना भी कोई। ये घर का मतलब नहीं है, खरीदा हुआ है। तो जो घर का होता है वो तो मैं बता देती हूँ आप सभी को, और ये घर का नहीं है। तो इसको मैं अच्छे से छांट लूँगी और एक कटोरी में रख लूँगी। ये थोड़ा बहुत अच्छे से छांट ली हूँ, उसको कटोरी में रख दूँगी। और बस इतना ही मुझे बनाना था, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा था, तो मैं उसको नहीं छाट पाई, उसको रख दी हूँ मैं। कल टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, अभी टाइम नहीं था इसलिए मैं उसको रख दूँगी। बस थोड़ा सा ही मुझे बनाना है अभी। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे, शाम को मैं ले आई थी, वही मैं यहाँ फोल्ड कर रही हूँ। कुछ मेरे हैं, कुछ पापा के हैं, और कुछ मेरी नानी माँ के हैं। तो वही मैं सारा ले आई हूँ, फोल्ड करके रख दूँगी उसको सही से। आजकल वैसे भी धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं ये कपड़े को शाम को धोई थी वैसे भी। तो थोड़ा सा मशीन में धोती हूँ तो ये जल्दी सूख जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ी देर बस सूखा है और मैं शाम को ले आई हूँ। अब मेरा कपड़ा फोल्ड हो गया है, तो मैं इसको साइड में रख दूँगी। और ये सोफ़ा का कवर लगा दूँगी सोफे पे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, खाली खाली रहता है तो, और गंदा भी हो जाता है कोई बैठता है तो, इसलिए इसको लगा दूँगी सही से। और फिर अभी मुझे और अभी मैं आ गई हूँ किचन पे, और अभी मैं कुकर में पानी डालूँगी थोड़ा सा दाल के लिए, और गैस ऑन करके उसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दूँगी गैस पे। और इसमें मसूर की दाल डालना है, इसलिए मैं इस पे अभी मसूर की दाल डालूँगी। और थोड़ा सा नमक डालूँगी दाल डाल के, और फिर उस पे टमाटर भी डालूँगी, और उसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी चूल्हे पे बंद करके। और अभी मुझे थोड़ा सा चाय बनाना है, क्योंकि पापा चाय के लिए बोल रहे थे, तो चाय मैं जिस तरह बनाती हूँ उसी तरह ही बनाऊंगी। थोड़ा सा चाय पत्ती, थोड़ा सा नमक, अदरक और चीनी, बस उसी तरह ही बना लूँगी चाय को। देखिए थोड़ा सा चाय पत्ती डाल दी हूँ, और उसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक हम लोग के घर पे
हमेशा डलता है क्योंकि आदत हो गया है पहले से ना। थोड़ा सा नमक ज़रूरी है, बाकी लोग तो नहीं डालते, किसी का अलग अलग चॉइस होता है। यहाँ पे देखिए पॉलीथीन पे थोड़ा सा बस चीनी बचा हुआ था, वही मैं डाल दी थी। और यहाँ पे ये देखिए, ये ना चिंगड़ी बोलते हैं इसको, तो ये चिंगड़ी मैं आज बनाने वाली हूँ चावल के साथ। तो थोड़ा सा पानी ले ली हूँ, उस पर थोड़ा सा हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि हल्दी डालने से ना इसका जो थोड़ा सा स्मेल होता है, नॉनवेज का जो स्मेल होता है वो उतना नहीं आएगा। खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। इसकी जो कच्ची वाली होती है ना चिंगड़ी, वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अभी मैं इस पर एक आलू डालूंगी घिस के, तो वही छील ली हूँ और उसको घिस लूँगी उसी पे ही, और उसको थोड़ी देर के लिए उसी तरह रख दूँगी साइड करके। आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बस वो चिंगड़ी था उसमें थोड़ा सा आलू मिक्स कर लूँगी तो सही लगेगा, सोच के मैं डाली हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए मैं कढ़ाई रख चुकी हूँ गैस पे, और इधर मेरा चावल भी बन रहा है। चावल मैं डाल दी थी तो वही चावल भी बन रहा है मेरा। और अब मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा रिफाइंड का तेल, और मसाले में मैं ली हूँ थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा हरा मिर्च, और थोड़ा सा लहसुन, और एक का आधा प्याज ली हूँ, क्योंकि ये सब डालने से ना बहुत टेस्टी लगता है और बिना उसके तो बनेगा नहीं, बिना मसाले के। और यहाँ मैं थोड़ा सा दो टमाटर ग्राइंड कर ली थी। कढ़ाई मेरी गरम हो चुकी है और उसमें मैं डाली हूँ थोड़ा सा सरसों, और फिर उसमें डालूँगी जो प्याज काटी थी एक और एक का आधा, वही डाल दूँगी। और ये जब तक ब्राउन कलर थोड़ा सा नहीं हो जाएगा उसको सही से चला लूँगी। और अभी मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दी हूँ और इसको थोड़ा सा फिर से चला लूँगी, और लहसुन भी डाल दी हूँ इस पे। अभी इसको अच्छे से चला लूँगी, मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और फिर थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इसको अच्छे से चला लूँगी थोड़ी देर। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी जो ग्राइंड की थी वही टमाटर, और इस पर थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, नमक का। और टमाटर और मसाले को मैं तब तक भूनूँगी जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए। और अभी मेरा तेल और मसाले अलग हो गए हैं, इसमें मैं डालूँगी मिक्स मसाला और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, पूरा अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। और फिर अभी मैं इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा पानी बस, और फिर से इसको चला लूँगी। और अभी मसाले में पानी थोड़ा सा मिक्स हो चुका है, तो अभी मैं फिर से पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए अभी ये बॉईल हो चुका है, इसमें अभी मैं चिंगड़ी और जो आलू पीस के रखी थी वही मैं निचोड़ के रख दी थी पानी में, वही डाल दूँगी, और इसको थोड़ी देर चला लूँगी, और इसको ढक के रख दूँगी ताकि बहुत अच्छे से पक जाए और इसका पानी सूख जाए। और यहाँ पे देखिए इसका पानी पूरा लिया है और ये अच्छे से तैयार हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू। और यहाँ मेरी दाल भी बन गई थी।
तो अब मेरी दाल भी बन के तैयार हो गई है। यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, आज की मेरी ब्लॉग अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे वीडियो को अगर आगे आप देखना चाहते हैं मेरा ब्लॉग को तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।